है व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन दिस इज डी हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द गुड लाइफ। तो आज हम बनाने वाले हैं बन ब्रेड, वो भी एगलेस और माइक्रोवेव ओवन में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें यीस्ट को एक्टिवेट करना है। तो हमने लिया है लूकवार्म मिल्क और उसके अंदर हमने डाल दिया शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ड्राई ईस्ट डाल देंगे और इसे छोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स करके इसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर। पंद्रह मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये एकदम फूल के डबल हो गया है। अब हम इसे अपने ब्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और उसके साथ साथ हम डाल देंगे बटर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसके अंदर जो ईस्ट हमने एक्टिवेट करके रखे थे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम रेगुलर बेसिस पे जैसे आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है, लेकिन उसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएं। अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे और इसे ढक कर छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। 1 घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, फूल के एकदम डबल हो जाएगा। जब आप इसके अंदर पंच करेंगे तो इसके सारे एयर्स निकल जाएंगे। अब हमें इसे फिर से एक बार गूंद लेना है हल्के हाथों से और फिर इसके हम बॉल बना लेंगे। इक्वल साइज़ के बॉल बना के हमें बॉल को भी छोड़ना है रेस्ट करने के लिए किसी गर्म जगह पे 15 से आधे घंटे के लिए। अभी हम बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लेंगे बटर से और बॉल को बेकिंग ट्रे के अंदर रख के हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। इसे भी ढक कर हम छोड़ देंगे करीब आधे घंटे बाद। ये देखिए ये एकदम डबल हो गया है। अब हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे मिल्क और शुगर को, क्योंकि हम एग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ऊपर में हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए, तो वो कलर हमें शुगर और मिल्क से ही मिलेगा। इसके साथ साथ हम ओवन को भी प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए। ओवन प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 टू 25। ये डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव की साइज के ऊपर। तो 25 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। हमारा बन रेडी हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं बटर के साथ या फिर चाय के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ। Till then, bye bye, and thank you so much for watching.